मैं बनारस से आता हूं और हमारी काशी स्मार्ट सिटी हो चुकी है। हर हर महादेव। मैं कह रहा हूं कांग्रेस वाले जो कहते करते कहां है, कांग्रेस के लोग बड़े नेता चिल्ला रहे पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा, देश का एक्सरे, जाति जनगणना, ये सब, और खुद जब टिकट बंटवारे की बात आई तो पलटी मार गए। तो मैंने एक छंद कहने का प्रयास किया, सुनिएगा। जितनी आबादी उतनी ही हिस्सेदारी होगी। मार्केट में ये नया फॉर्मूला लाएंगे, जातीय जनगणना तो एक्सरे है इंडिया का, राहुल जी अब सीटी स्कैन भी कराएंगे। जातीय जनगणना तो एक्सरे है इंडिया का, इंडिया मतलब वो नहीं, इंडिया मतलब आई एन डी आई ए। सिर्फ वोट के लिए ही जातियों में बांट रहे, आखिरी चुनाव तक इन्हें ये भरमाएंगे। अपनी पार्टी में ही साहब हिस्सा नहीं दे सके तो पिछड़ों को देश में वो हिस्सा क्या दिलाएंगे। अपनी पार्टी में वो हिस्सा नहीं दे सके, पिछड़ों को देश में वो हिस्सा क्या दिलाएंगे। सर, नाराए जातिवाद वंस मोर कर दिया, बस वोट बैंक वाला ओपन डोर कर दिया। पिछड़ों की तरफ दारिया करते रहे हैं जो, अपनी पे बात आई तो इग्नोर कर दिया। अपनी पे बात आई तो इग्नोर कर दिया। बहुत शुक्रिया। सुनिएगा, गठबंधन की दिखाओ झूठी शान भले, सामने चुनाव के जरूर पछताओगे। सपा कभी तृणमूल, कभी आरजेडी, कभी अन्य पार्टियों को हाथ जोड़ के मनाओगे। एक साथ मेंढकों को कौन तौल पाया है जी, मेंढकों को तौलोगे तो ढेला नहीं पाओगे। एक साथ मेंढकों को कौन तौल पाया है जी, चौथी पंक्ति पे आपकी ताली अपने आप उठेंगी। एक साथ मेंढकों को कौन तौल पाया है जी, मेंढकों को तौलोगे तो ढेला नहीं पाओगे। सभी को तो कुर्सियों का मोह जकड़ा हुआ है, इनके भरोसे क्या तुम मोदी को हराओगे। सभी को तो कुर्सियों का मोह जकड़ा हुआ है, इनके भरोसे क्या तुम मोदी को हराओगे। अंतिम चार पंक्तियां और देता हूं साहब। अब की आए तो हमें खुशियों से ही भर देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे। जिनकी सरकार सिलेंडर नहीं गिराई थी वो कह रहे हैं 500 में सिलेंडर देंगे। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इतना मुश्किल है एमपी? बिल्कुल भी नहीं है सर, मैं निश्चित तौर पे आज बोल रहा हूँ आपको और लिख के जा रहा हूँ, एमपी में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में आएंगे तो मोदी ही, आएगा तो भारतीय जनता पार्टी। नहीं, पर मुझे एक बात कहनी है इसके ऊपर। इन्होंने सेंट्रल विस्टा की बात कही थी, इस देश ने सेंट्रल विस्टा का गेट पहले दो को छोड़कर हर किसी को खोलते देखा है, और वही हमने जीडीपी को डूबते और युवाओं को बेरोजगार होते भी देखा है। अच्छा, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, तेलंगाना में क्यों नहीं? तेलंगाना फाइट में है, मैंने ये नहीं कह रहा, फाइट में है, बट देखते देखते टफ फाइट है, जीरो कौन क्रॉस करेगा सर। मणिपुर में आपका क्या होगा, आप भी देख लेना, आप भी फाइट में हो। जीरो, देखो कितना डर, डरो मत, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, मणिपुर में डुबा दिया आपने देश को। अभी वो बनो आप, भविष्यवाणी ऐसे मत करो, अभी आप देखते जाओ। आपस की लड़ाइयों ने डुबो रखा आपको। ऐसा है कि वसुंधरा जी का नाम मंच पे लिया नहीं जाता है, शिवराज जी का नाम मंच पे लिया नहीं जाता है, और सचिन पायलट जी को और गहलोत जी को एक साथ देख के दिल जलता है। सीने में जलन है। क्या बोला था वो छोड़ दो, क्या बोल रहे हैं ये सुनो। गहलोत जी के शब्द थे पायलट के लिए, वो तब झूठते या आज झूठे, ये बताओ। ये सारा झूठ तब भी था, अरे ये तो बताओ। आप कहां मिजोरम में उलझे हैं? हाँ, ये रेवड़ी वेवड़ी तो आप ही ने बोला था कि नहीं देंगे फ्री वगैरह। देखो, अगर राज्य के अंदर किसी गरीब को देना है तो उसको रेवड़ी नहीं कहा जाता,
रेवड़ी कल्चर तो हमने देखा कर्नाटका के अंदर, वादे क्या क्या किए, बाद में जब चुनाव हो गए तो क्या बोला, यही डिप्टी सीएम ने क्या बोला कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है विकास के लिए। जो आप योजना की बात करते हो, अगर हम गरीब लोगों की बात करते हो, लाडली योजना पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज सबसे एवन योजना बनी हुई है। आज उसी को कांग्रेस फॉलो कर रही है कि हम तो इतने पैसे एक्स्ट्रा देंगे लाडली योजना के अंदर। तो रेवड़ी कल्चर वो कहलाया जाता है। रेवड़ी कल्चर वो नहीं है कि किसी गरीब को अगर उसको जिसको चाहिए उसको अगर आप दे रहे हो तो उसको रेवड़ी कल्चर नहीं कहते। कर्नाटक में बिल्कुल दे रहे, आपने कर्नाटक में चावल रोक दिया, हमने सीधा पैसा अकाउंट में जमा कर। क्या बोला डीके ने, क्या बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे, एफसीआई में सड़ने दिया गेहूँ चावल, एफसीआई में सड़ने दिया, लेकिन भूखों को देने नहीं दिया, हमने पैसे दिया। डीके ने क्या बोला, डीके ने बोला या नहीं बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, हमने लोगों के अकाउंट में पैसे दिए, हमने लोगों के अकाउंट में पैसे दिए, हमने। डीके ने क्या बोला सर, ये तो बता दो, आज महिलाएं फ्री में बस में चल रही है। डीके ने बोला क्या, लाके उसको बताना पड़ता है जिसको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ, जाके पूछ लो, महिलाओं को फ्री बस मिल रही है, चावल आपने रोका, इन्होंने प्राइवेट में बेचा, इन्होंने सर मैंने सवाल पूछा, जेब में पैसे डाले, अभी मैं इनका जवाब देता हूँ, हो गया, झोला उठाने का समय आ गया, झोले पे दो लाइन सुनो, 500 रुपये में सिलेंडर दे दिया है, 500 रुपये में सिलेंडर दे दिया है, अब मोदी जी का झोला उठा के जाने का वक्त आ गया है, 500 रुपये में सिलेंडर दे दिया है, अब मोदी जी का झोला उठा के जाने का समय आ गया है, ये मोदी जी का जुमला नहीं, राहुल जी की गारंटी है। राहुल जी की गारंटी तो सबने देखा है, राहुल जी की गारंटी सबने देखी है, मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते 600 रुपए का सिलेंडर की दुकान चला रहे हैं, सबने देख रहे हैं, 500 का दे रहे, राहत की दुकान हमने लगाई है, पैसे लोगों के अकाउंट में हमने डाले, की गारंटी राहुल की तरफ फेल है, राहुल की गारंटी राहुल की तरफ फेल है। नहीं, जुमला नहीं है, गारंटी है, मोदी जी का तो जुमला है, राहुल जी की तो गारंटी है और अस्तित्व में है, 25 लाख का हमने जहाँ बीमा दिया और दे रहे लोगों को, वहाँ पर 5 लाख का बीमा लेके ले, तो झोला उठा के ले जाने का समय आ गया है, मेरा झोला वहाँ रखा है।